हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में लेट्स फन में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना ने क्या हल्ला मचा रखा है पूरा, मतलब पूरा वर्ल्ड में। इसका आशीर्वाद है, कोरोना का आशीर्वाद ही हो। तो मैं पिछले 10-15 दिन से घर में था, पिछले 10-15 दिन से निकला नहीं। आज फाइनली निकलना ही पड़ा मुझे। क्यों? क्योंकि सामान खत्म हो गया, खाना पीना का सामान खत्म हो गया। तो मैं, मेरे रूममेट्स अभी निकले हैं, हम जा रहे हैं एतेबी। एतेबी एक सुपरमार्केट है जो कीव में है, कीव का वो मतलब कुछ गवर्नमेंट के साथ लिंक है उनका, एतेबी है। तो मैं आज सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं, वेट होते भी। तो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा आपको, रास्ता दिखाऊंगा कैसा दिखता है कीव सिटी, और रहते भी का रास्ता कैसा दिखता है, और रहते भी दिखाऊंगा उधर क्या मिलता है, सारे ग्रोसरीज मिलता है यहाँ पर। तो मैं दिखाऊंगा आगे। अब एक स्पेशल मैसेज है सबके लिए, स्पेशल मैसेज मतलब इम्पोर्टेंट मैसेज है सबके लिए कि अभी घर में रहे सब। बहुत वीडियोस देखा है यूट्यूब में, इंस्टा में, फेसबुक में कि लोग बाहर निकल रहे हैं, कैसे क्या कर रहा है, ऐसा ना करें। अब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, सेफ रहिए। और अगर आपको बाहर निकलना है, कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो ही निकलिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहे। अगर बाहर निकल रहे हैं आप तो अपने साथ सैनिटाइज़र रखिए, प्लस मास्क, जैसे कि मैं मास्क पहना हुआ अभी, मास्क पहन के बाहर निकला हूँ, तो मास्क पहन के बाहर निकलिए। और सैनिटाइज़र, वो सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए जिसमें अबव और अराउंड 60% एल्कोहल मस्ट हो, तो ही सैनिटाइज़र काम करेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है सैनिटाइजर यूज करने का। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी तो आप समझदार है ही सब। और कुछ मेरे दोस्तों मतलब इंडिया में जो है अभी, वो बोल रहा था कि घर में बैठ के बोरिंग हो रहे हैं। तो भाई घर में बैठ रहे हो तो बोरिंग किस बात का, घर में भी बहुत कुछ कर सकते हो, घर में भी एंटरटेन कर सकते हो। तो खुद भी एंटरटेन रहो, घर में जो है आपकी फैमिली उनको भी एंटरटेन करते रहो, घर में बहुत कुछ किया जा सकता है। थोड़ा लूडो खेल लो, टीवी देख लो, अंताक्षरी खेल लो, यार बहुत कुछ किया जा सकता है घर में। अब बाकी सब समझदार है ही आप लोग, बस यही कहूँगा, घर में रहिए, सेफ रहिए, खुद भी सेफ रहिए, बाकियों को भी सेफ रखिए। और बहुत र्यूमर्स वगैरह भी होता है कि कोरोना वायरस लेकर र्यूमर्स भी हो रहा है, सो उस सबसे बचिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी मैं अभी दिखाऊंगा आप सबको कि मैं भी जा रहे हैं अभी, तो जो सफ़र है अभी वो दिखाऊंगा आप सबको। चलिए शुरू करते हैं।
अभी हम जा रहे हैं एटीवी के अंदर। ये हो गया एटीवी। Верховна Рада України прийняла закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та зловмисне зараження людей. Якщо у вас є симптоми коронавірусу, викликайте швидку допомогу. Наразі в якої стадії захворювання необхідно самоізолюватися і виконувати прихід лікаря. За можливості варто залишатися вдома і нікуди не виходити. Особливо це стосується людей похилого віку. Закриваються на карантин всі торговельні центри, спортивні зали, ресторани, кав'ярні. Працюватимуть лише продуктові крамниці, аптеки, банки та заправні станції. У крамницях не створюйте натовпу. У черзі стійте на відстані 1.5 метри один від одного. У громадському транспорті одночасно перемогти. तो अभी हम हैं इटली में। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर लगभग सारे सामान मिल जाता है। ये आटा देखिए, आटा लगभग सारे सामान मिल जाता है यहाँ पर, जो इंडिया में मिलता है सारे सामान ही मिल जाते हैं लगभग। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान मिलता है, देख सकते हैं इस वीडियो में। है वाइन कॉर्नर, ब्रिटिश वाइन मिलता है। हॉट डॉग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, दो ट्रॉली भर के हमने सामान ले लिया। पता नहीं कितने दिन तक हाउस अरेस्ट होकर रहना पड़ेगा, तो भर के ले लिया हमने। तो अभी निकलने वाले हैं हम उधर से। तो अभी हम खरीदारी ख़त्म कर लिया, अभी जा रहे हैं फ्लैट वापस। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि क्या गलती किया मैंने इस वीडियो में, क्या और क्या कैसे मैं अच्छा बना सकता हूँ वीडियो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था आज कि मैं खुद अपना फेस दिखाया, मैं सबके सामने आया ऐसे। सॉरी फेस नहीं दिखाया, मास्क लगा हुआ है, अभी मास्क मैं हटाऊंगा नहीं, हटा सकता है वैसे। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ वो मेरा मैसेज याद रखना कोरोना वायरस से बचने के लिए जो मैसेज दिया मैंने, वो ज़रूर याद रखना। बस इतना ही, बाय, जय हिंद।